नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी समोसे के अंदर कहां निकला मेंढक का लेग पीस और हुआ हंगामा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बार फिर से थूक लगाकर रोटियां बनाई जा रही है। कहां का ये वीडियो है, पूरी खबर आप जानेंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। गाजियाबाद में ई रिक्शा चालक की मनमानी की तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद की एक नामी स्वीट शॉप को लेकर लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। आरोप है कि यहां से कुछ लोग समोसे खरीद कर घर ले गए थे और उसके अंदर मेंढक की टांग निकली। ये मामला पुलिस तक भी पहुंच गया और लोगों में स्वीट शॉप को लेकर आक्रोश भी बढ़ गया है। स्वीट शॉप पर पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। दुकान के कर्मचारियों को जमकर सुनाया, उन्हें समझाने की कोशिश की गई, लेकिन उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। समोसे में मेंढक की टांग। हंगामा बढ़ता जा रहा था, वहां पर लोगों की भीड़ भी जमा होने लगी। गुस्साए लोग पुलिस को बुलाने की बात कहने लगे। यहाँ पे पैसा खर्च एक्स्ट्रा करके आ रहे हैं ना, हमें खर्चे दे, ऐसे भी कह सकते थे। तेरे पास क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? फोन मिलाओ। बाद में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने दुकानदार को हिरासत में लिया, वहीं खाद्य विभाग की टीम ने सैंपल ले लिए। सैंपल को जांच के लिए भेजा गया। बाद में पुलिस ने शांति भंग करने की धारा में चालान भी कर दिया। भाई पूरे समोसे में मेंढक होएगा, ये सिर्फ टांग आई है। पूरे समोसे में मेंढक होएगा, गिर गया होगा, तुरंत कह दिया गिर गया होगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इस तरह के मामले सामने आए हों। जून में मुंबई में आइसक्रीम को ऑनलाइन ऑर्डर किया था, तब उसमें कटी उंगली पाई गई थी। वहीं नोएडा में भी आइसक्रीम में कनखजूरा मिलने की बात सामने आई थी। जून में ही अहमदाबाद में सांभर में मरा चूहा मिलने की शिकायत की गई थी। एक कस्टमर ने ऑनलाइन चॉकलेट सिरप मंगाया था, इसमें भी मरा चूहा मिलने का आरोप लगा। ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं अभी हाल में एक खबर आई थी जो कि ग्रेटर नोएडा से आई थी, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर ढाबे का कर्मचारी रोटी पर थूक लगा के उसको तंदूर में लगाता हुआ नजर आया था। अब ऐसी ही खबर, ऐसी ही घटना सहारनपुर से सामने आई है, जहां पर होटल का कर्मचारी रोटियां तंदूर में लगा रहा है लेकिन उससे पहले थूक लगा रहा है रोटी पे। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, पूरी खबर देखिए। कभी रोटी में थूकना तो कभी मैदे को पैर से गूंथना, सोशल मीडिया पर इस तरह की घिनौनी हरकत वाले वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं। आखिर यह हो क्या रहा है, ऐसा क्यों जानबूझकर किया जा रहा है? ऐसी घटनाएं थमने के बजाय लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब सहारनपुर से एक लड़के की हरकत कैमरे में कैद हो गई। लड़का एक होटल में काम करने वाला बताया जा रहा है। वो रोटी को तंदूर में डालने से पहले उसमें थूकता हुआ दिखाई दिया। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने उसकी हरकत को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इसमें देखा जा सकता है कि सड़क के किनारे तंदूर बना हुआ है, वहीं पर जो लड़का रोटियां सेक रहा था उसकी एक एक हरकत साफ नजर आ रही थी। इसी दौरान वो रोटी में थूक देता है।
वीडियो छुटमलपुर कस्बे का है, जहां पर अपना दस्तरखान नाम का होटल है। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी लड़के को हिरासत में ले लिया है, लेकिन लड़के के नाबालिग होने की वजह से उसे थाने से ही जमानत मिल गई। कहा जा रहा है कि होटल मालिक ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वहीं कुछ दिन पहले ग्रेटर नोएडा से भी एक बेहद ही हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। यहाँ एक ढाबे में काम करने वाला शख्स रोटी को तंदूर में डालने से पहले थूकता दिखाई दिया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए बाद में शख्स को हिरासत में लिया। रबुपुरा कस्बे का ये वीडियो बताया जा रहा है। वहीं एक लड़के का पैरों से मैदा गूंथने का वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर का था। मोमोज बेचने वाला बरगी इलाके में पुलिस थाने के पास दुकान लगाता था, लेकिन जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद स्थानीय लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस से शिकायत की गई, इसके बाद पुलिस ने मोमोज बेचने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया। हैरत की बात है कि यही मोमोज लोगों को खिलाए गए होंगे। ये तीनों वीडियो बेहद सावधान करने वाले हैं, इसलिए बाहर खाने से पहले बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू सिटी। कई शहरों में ई रिक्शा परेशानी का सबब बने रहते हैं और अवैध तरीके से चलते हैं, जिसके बाद जाम की स्थिति हो जाती है उत्पन्न और लोग परेशान हो जाते हैं। अब गाजियाबाद से भी ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कई सवाल खड़े करती है। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर ई रिक्शा फर्राटा दौड़ रहा है। अमूमन ई रिक्शे में 5 सवारियां बैठाई जाती हैं। एक ई रिक्शा चालक के बगल में बैठता है तो 4 लोग पीछे सीटों पर बैठते हैं। लेकिन अब ये वीडियो देखिए जो सारे ट्रैफिक नियमों को तार तार कर रहा है। इसमें एक ई रिक्शे में चालक के साथ पहले से 5 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन चालक ने रिक्शे के पीछे एक लकड़ी का फट्टा लगाया हुआ है और उसमें एक शख्स को बैठाया है। देखिए सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ खुले आम हो रहा है। लकड़ी के फट्टे में बैठा शख्स ई रिक्शा में जा तो रहा है, लेकिन कोई अनहोनी भी हो सकती है, उसकी गारंटी कौन लेगा। ये वीडियो गाजियाबाद के लालकुआ रोड का बताया जा रहा है। वहाँ किसी राहगीर ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। ई रिक्शा चालक साफ मनमानी करते हुए दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ इस वीडियो की ही नहीं है, शहर शहर ई रिक्शा सड़कों पर परेशानी का सबब बने हुए हैं। कई शहरों में सैकड़ों अवैध रिक्शा चलाए जा रहे हैं। जब ई रिक्शा सड़कों पर उतारे गए तो माना जा रहा था कि इनसे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन अब ई रिक्शा कई शहरों में समस्या की वजह बन गए हैं। ई रिक्शा चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़कर सड़कों पर जाम की वजह बन गए हैं। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में करीब 25,000 ई रिक्शा है, लेकिन सैकड़ों ई रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है। नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाते देखे जा सकते हैं, जो हादसों की वजह भी बन रहे हैं। प्रयागराज में भी सैकड़ों ई रिक्शे अवैध रूप से चल रहे हैं। यहाँ करीब 22,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड है, लेकिन हकीकत ये है कि इससे कहीं ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर जाम भी लग रहा है। गोरखपुर में भी ई रिक्शा को लेकर नगर निगम ने कई बार नियम कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। गाजियाबाद में ई रिक्शा की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में भी सैकड़ों रिक्शे अवैध तरीके से चलाए जा रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। आम लोगों की शिकायतें भी बार बार आती रही हैं, जिसमें ई रिक्शा चलाने में उसके चालक की लापरवाही की बातें भी शामिल हैं। गलत तरीके से कमाई की जा रही है, लिहाजा अवैध ई रिक्शा पर लगाम लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबर है कि यहां हवाई पट्टी से चोर पूरा हेलीकॉप्टर ही चोरी करके ले गए। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर को लूटने की खबर मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। लेकिन अब लूट की शिकायत को लेकर पुलिस ने खुलासा किया है कि वो पूरी तरह से फर्जी थी।
पुलिस के मुताबिक एविएशन कंपनी के दो पार्टनर के बीच में विवाद था। हेलीकॉप्टर मालिक और पायलट के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर खींचतान चल रही थी। दरअसल आज से ठीक चार महीने पहले 10 मई को परतापुर थाना क्षेत्र के हवाई पट्टी पर जबरन हेलीकॉप्टर लूट का आरोप था। बताया जा रहा था कि 10 से 15 बदमाश हेलीकॉप्टर खोलकर ट्रक में लाद कर ले गए। ये भी दावा किया गया कि पायलट और कर्मचारियों ने विरोध किया था, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद हेलीकॉप्टर को लेकर वो फरार हो गए। पुलिस ने जांच में पाया कि हेलीकॉप्टर रिपेयर होने के लिए मेरठ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई पट्टी पहुंचा था, लेकिन उसकी रिपेयरिंग नहीं होने पर उसका मालिक हेलीकॉप्टर वापस ले गया। एक व्यक्ति ने 3 महीने पहले की एक घटना दिखाकर शिकायत दी, जिसमें कि उनके साथ परतापुर एयर स्ट्रिप पर मारपीट और गाली गलौज करने की शिकायत दी गई है। हेलीकॉप्टर लूट की उसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना घटित हुई है। प्रथम दृष्टया ये प्रकरण एक एविएशन कंपनी के दो पार्टनर्स के बीच में है, जिसमें कि कोई विवाद को लेकर इनमें झगड़ा है, और इसमें जांच एएसपी को दी गई है, जो कि मौके पर जाकर जांच कर रहे हैं, और इसमें जो भी विधिक कार्यवाही होगी वो की जाएगी जांच के उपरांत। फिलहाल इस प्रकार की लूट की घटना नहीं है और ये घटना 3 महीने पूर्व की है। पुलिस इसे पैसों का विवाद बता रही है, लेकिन ये मामला इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरठ से न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट। और आइए बात करते हैं नंदा देवी महोत्सव की। पहाड़ यानी कि उत्तराखंड में नंदा देवी महोत्सव की धूम देखी जा रही है। पूरे पहाड़ में आप देखेंगे छोटे छोटे से महोत्सव कराए जा रहे हैं। सरकार इन छोटे छोटे महोत्सव को पर्यटन से जोड़कर देख रही है। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर में इन दिनों माहौल भक्तिमय बना हुआ है, जहां एक ओर गढ़वाल कुमाऊं बॉर्डर के कोट भ्रामरी मंदिर में नंदा अष्टमी का कौतिक चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उच्च हिमालयी क्षेत्र बदियाकोट और लीती में मां भगवती के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ है। यहां मां की उपासना ब्रह्म कमल से की जाती है, और इस विशेष कमल को तोड़ने के लिए लोग उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाते हैं और 5 दिन की यात्रा के बाद लौटते हैं। ब्रह्म कमल फूल को लाते हुए लोग नृत्य करते हुए भगवती मंदिर तक पहुंचते हैं। 21 लोगों की जो टोली है माँ भगवती और 2 मोरधामी और जतेरों के साथ ये यात्रा यहाँ से निकल चुकी है, लोधुरा बुग्याल से होते हुए नंदा कुंड की ओर। आंखें नम हो चुकी थी, भावुक पल था कि हमारे जतेर जब जा रहे थे, एक खुशी भी थी और भावुक पल भी था कि कितना दुर्गम और कितना कठिन ये यात्रा करने जा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल के इस स्थान पर सभी की मान्यता है कि एक शक्ति की पीठ है, और यहाँ पर आकर के जहाँ पर भी हम जो भी चीज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वो सर्व समाज के हित की होती है। बागेश्वर के कई पौराणिक मेलों को सरकार मदद दे रही है ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। वहीं ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रशासन भी इन उत्सवों में बेहतर सुविधा देने की कोशिश कर रहा है। बहुत ही रमणीय स्थल है, मनोरम दृश्य यहाँ से दिख रहा है। इसी दिशा में हम लोग टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से और भी पर्यटन क्षेत्र के रूप में इसको विकसित कर सके, ऐसा प्रयास करें। पहाड़ की संस्कृति दुनिया में सबसे अलग है, और पौराणिक मेले लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे में जरूरत है पहाड़ के पुराने मेलों को बचाए रखने की। न्यूज 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले नए भारत में अब भारतीय नौसेना और ज्यादा मजबूत होने वाले हैं। कुछ नए युद्धपोत इसमें जुड़ने वाले हैं, इनकी खूबियां क्या होंगी देखिए इस रिपोर्ट में। दुश्मन की पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाला युद्धपोत, स्वदेशी शक्ति का कमाल, समंदर में दुश्मन का काल। भारतीय नौसेना की नई ताकत मालपे और मुल्की, एंटी सबमरीन बैटलशिप मालपे और मुल्की, यानी पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध।
भारतीय नौसेना की ये वो वॉर मशीनरी है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। 9 सितंबर को 8वीं सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत चौथे और पांचवें जहाज को एक साथ लॉन्च किया गया। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत इन युद्ध पोतों का निर्माण किया गया है। इनका 80% निर्माण स्वदेशी तकनीक से हुआ है, जिससे रोजगार और राष्ट्र निर्माण की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। ये युद्ध पोत पानी के अंदर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। ये कम गहरे पानी और तटीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल को अंजाम दे सकते हैं। ये 25 समुद्री मील की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकते हैं। इन जहाजों में 57 चालक दल के सदस्य बैठ सकते हैं। बीते 10 सालों में भारतीय नौसेना की वॉर मशीनरी में जो तकनीकी इजाफा हुआ है, वो ये साबित कर रहा है कि कैसे पीएम मोदी ने देश के रक्षा तंत्र को लगातार मजबूती देने की कोशिश की है। और जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। यहां पर वो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं। आपको उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हैं और पहले चरण में 18 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी ने दिल्ली से लेकर हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ रोड शोज और जनसभाएं की हैं। और अब बीजेपी ने सीएम धामी को जम्मू कश्मीर में रोड शो और जनसभा को संबोधित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी के रोड शो की तस्वीरें हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त चल रहा है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में ये रोड शो चल रहा है। सांबा से बीजेपी ने सुरजीत सिंह सलाथिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में 18 सितंबर को वोटिंग है और सांबा से मैदान में बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया, उनके समर्थन में ये रोड शो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पूर्व में भी जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार के लिए जनसभाएं और रोड शो करते हुए नजर आए हैं। चाहे वो बात हरियाणा की हो, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और अब जम्मू कश्मीर में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने पहुंचे हैं। सांबा विधानसभा में उन्होंने प्रचार प्रसार किया है। बीजेपी ने धारा 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में जिस तरह का विकास के लिए माहौल बनाया है, उसी को आगे रखते हुए वो भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। और ये तस्वीर आप सीधा मंच से देख रहे हैं, जहां सांबा से बीजेपी प्रत्याशी सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में मंच पर पहुंच गए हैं पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले उन्होंने रोड शो किया और यहां से अब वो जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल वो मंच पर पहुंच चुके हैं, उनका यहां पर स्वागत किया गया है। किस अंदाज में उनका स्वागत हुआ है, उनको बकायदा यहां पर साफा भी पहनाया गया, फूल माला पहनाई गई और थोड़ी देर में वो यहां से जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर की शान, जम्मू कश्मीर की आन। दरअसल बीजेपी और विपक्षी पार्टियां दोनों के लिए ही जम्मू कश्मीर का जो चुनाव है वो एक बहुत बड़े चुनावी लड़ाई की तरह है, क्योंकि धारा 370 और 35 से हटने के बाद जनता का क्या रुझान है वो मतों के रूप में स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही विपक्षी पार्टियां वो दावा कर रही हैं और उसका हमेशा से विरोध करती रही हैं। कुछ का ये भी कहना है कि हम सत्ता में आए तो वापस बहाल करेंगे 370 और 35 से, लेकिन जम्मू कश्मीर के विकास को देश की मेनस्ट्रीम विकास धारा से जोड़ने के लिए जो बीजेपी ने कदम उठाए हैं, उसी का प्रचार प्रसार करने के लिए उत्तराखंड के सीएम मैदान में। शुरू करने से पहले सर्वप्रथम, और आइए आगे बढ़ते हैं खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए। आपको चंडीगढ़ सेक्टर 10 की खबर बताते हैं, जहां पर एक घर में ग्रेनेड से अटैक हुआ है। अब इस हमले को खालिस्तानी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। देखिए पूरी खबर। चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक से सनसनी, सेक्टर 10 की कोठी में हुआ हमला।
ग्रेनेड अटैक के पीछे खालिस्तानी साजिश। क्या आतंकी रिंदा ने दिया था हमले का टास्क? 11 सितंबर 2024 शाम 6:15 सेक्टर 10 चंडीगढ़ कोठी नंबर 575। अचानक पूरे इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक लो इंटेंसिटी वाले ग्रेनेड से इस कोठी पर हमला किया गया। दावा किया जा रहा है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 10 की इस कोठी में चलते ऑटो से ग्रेनेड फेंका गया। इस धमाके की वजह से कांच की खिड़कियां टूट गईं और कोठी के लॉन में गड्ढा हो गया। हालांकि हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये हमला उस वक्त किया गया जब कोठी के मालिक रिटायर्ड प्रोफेसर का बेटा लॉन में बैठा था। एक चीज जिदे च कोई प्रेशर जिदे चो निकलिया होवे, प्रेशर टाइप ब्लास्ट छोटा इत्थे होया है जिदे करके घर दियां विंडोज दे नुकसान होया है ते कुछ गमले जेड़े गार्डन च पई सी उन्हां दा नुकसान होया है। अग्गे दी तफ्तीश जारी है, सीएफएसएल टीम साडियां इत्थे पहुंच चुकी है। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक जिस ऑटो से इस कोठी में ग्रेनेड फेंका गया उस ऑटो ड्राइवर को सेक्टर 43 से गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि ऑटो ड्राइवर ने भी दोनों आरोपियों की शिनाख्त कर ली, जबकि चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2-2 लाख के इनाम का ऐलान कर दिया है।